आईपीएल 2023 में रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करीब 2.5 मिनट की जो सुनामी आई वह आईपीएल के इतिहास में कभी नहीं आई थी। और यह सुनामी थी रिंकू सिंह की सुनामी, जिसमें गुजरात टाइटंस का तंबू पूरी तरह से उखड़ गया। जीत के लिए 205 रनों का पीछा कर रहे केकेआर का जहाज लगभग डूब चुका था। तब मानो रिंकू सिंह किसी देवता के रूप में प्रकट हुए और जीत रूपी चक्र चलाया, जिससे सिर्फ 2.5 मिनट की आई सुनामी ने गुजरात का किला निस्ता नाबूद कर दिया। रिंकू सिंह ने गुजरात के लेफ्टी बॉलर यश दलाल से बड़ी भारी गलती यह हुई कि उन्होंने ओवर की शुरुआती 3 गेंदें फुल टॉस फेंक डाली। यश फुल टॉस पर फुल टॉस फेंकते रहे और रिंकू सिंह की सुनामी चलती रही। यश दलाल ने किसी तरह आखिरी 2 गेंदों को फुल टॉस होने से बचाने में कामयाब रहे, लेकिन रिंकू सिंह की सुनामी फिर भी नहीं रुकी। उनका बल्ला रूपी गदा लगातार गुजरात को रौंदता रहा और यह तब तक रौंदता रहा जब तक रिंकू ने पारी के 20वें ओवर में यश दलाल को चारों खानों चित करते हुए गुजरात के किले को किसी रेत की इमारत की तरह ढहा नहीं दिया।